मानी अधिकारी सस्पेंड हो गए तो बच्चों तो हम क्या कर बताइए, जो हमारा परिवार था मुझे छोड़कर चला गया और बकरे की तरह काटा गया। तो मान लीजिए जब कार्रवाई करना था तब तो अधिकारी लोगों ने कर ही नहीं लिया। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के फतेहपुर गांव के लोहड़ा टोला में 2 अक्टूबर को जो लोमहर्षक घटना हुई थी उसकी परतें धीरे धीरे खुल रही है। अभी तक इसमें 16 की गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि यादव परिवार के 28 लोग और 50 लोग अज्ञात ने सत्यप्रकाश दुबे के घर पे सुबह सुबह धावा बोला और जो सामने मिला उसी को निपटा दिया है। इसमें सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी किरण, बेटी सलोनी और नंदिनी, बेटा गांधी जो है उनकी जान चली गई। अनमोल जो 8 साल का है किसी तरीके से बच गया क्योंकि हमलावरों ने समझा कि उसकी भी जान चली गई है, लिहाजा छोड़ करके वहाँ से चले गए थे। उसकी सांसें चल रही थी और बाद में BRD हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया गया जहाँ इलाज चल रहा है। लेकिन इसके पहले क्या हुआ था, कैसे गई प्रेम यादव की जान और कैसे बढ़ा ये बवाल, इसको लेकर के छन की जो बातें आ रही है उसमें एक कहानी ये निकल करके आ रही है कि सत्यप्रकाश दुबे ने एक ट्रैक्टर खरीदा था। ट्रैक्टर के लोन का पैसा वो वापस नहीं कर पा रहे थे, लिहाजा तहसील से रिकवरी जारी हो गई थी जिसे RC बोलते हैं, और इसको लेकर के पंचायत भवन पर नोटिस भी चस्पा हो गया था। ये बात जब प्रेम यादव को पता चली तो उन्हें लगा कि यही वो मौका है जब ब्राह्मण परिवार से सुलह हो सकती है क्योंकि पैसा चुकाने की उनकी मजबूरी है। सो वो सुबह सुबह पहुंच गए सत्यप्रकाश दुबे की घर। एक चश्मदीद जो सामने आया है, अपना नाम नहीं बताना चाहता, उसके मुताबिक दोनों में उसने बहस होते हुए सुनी थी जब प्रेम यादव कह रहे थे कि पंडित जी सुलह कर लीजिए, मुकदमा लड़ने में पीढ़ियां चली जाती है, मैं पैसा आपको चुका दूंगा। कौन सा पैसा चुका दूंगा, वही ट्रैक्टर वाली वो बात कर रहे थे। तभी जो है बात बढ़ गई और इसी में बताया जा रहा है कि प्रेम यादव की जान चली गई। इसके बाद प्रेम यादव के परिवार के लोग और उनके समर्थकों ने बोला ब्राह्मण परिवार के घर पे धावा और 5 लोगों की ले ली जान। महिलाएं, बच्चे, जो भी सामने पड़ा किसी को नहीं बख्शा। अब सवाल ये उठता है कि झगड़े की शुरुआत कहाँ से हुई। झगड़े की शुरुआत होती है 2014 से। प्रेम यादव ने दुबे परिवार के एक भाई से खेत लिखवा लिया। दरअसल दुबे परिवार के जो पिताजी थे जनार्दन दुबे, उनके 3 बेटे ओम प्रकाश, सत्य प्रकाश और ज्ञान प्रकाश। ओम प्रकाश पहले ही उनकी डेथ हो गई, सत्य प्रकाश बीच के, और ज्ञान प्रकाश उर्फ साधु दुबे ये मंदबुद्धि के बताए जाते हैं। लिहाजा ये चले गए यादव परिवार के पास और कहते हैं कि वहीं रहने लगे। यादव परिवार ने इसका फ़ायदा उठाया और उनकी 9.5 बीघे ज़मीन लिखवा ली। जब सत्यप्रकाश दुबे को इस बात के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने एतराज दाखिल किया, लेकिन चूंकि यादव परिवार संपन्न है, प्रभावशाली है, जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, ग्राम प्रधान रहे हैं, लिहाजा उन्होंने दबाव बना करके दाखिल खारिज करा लिया। अदरवाइज दाखिल खारिज जिसमें आपत्ति आती है इतनी जल्दी नहीं होती है। फिर भी सत्यप्रकाश दुबे ने हार नहीं मानी और वो मुकदमा लड़ते रहे। बीच बीच में इसको लेकर के झड़प हो जाया करती थी। इस बार जो झगड़े की शुरुआत होती है वो प्रेम यादव के सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचने से होती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक दिन पहले सत्यप्रकाश दुबे ने सागौन का पेड़ काटा था, उसको लेकर के कहा सुनी हुई। एक बात ये आ रही है कि प्रेम यादव को लगा कि इनकी रिकवरी जारी हुई है लिहाजा पैसे की ज़रूरत है, ये पैसा यदि वो दे देते हैं तो हो सकता है कि सुलह हो जाए, और उसी में बात बढ़ गई। अब सत्यप्रकाश दुबे का जो बेटा रो रो करके कहानी बता रहा है उसे सुन करके किसी का भी कलेजा फटने लगेगा। सुनिए क्या कह रहा है जो बड़ा बेटा है, 17 साल का है,
देवेश दुबे घटना वाले दिन वो वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं था, एक दिन पहले ही वो गया था बलिया कथा कहने के लिए, इस वजह से वो बच गया। लेकिन वो जो कहानी बता रहा है और जो मांग कर रहा है उसको सुन करके योगी सरकार में कितने भी निष्ठुर अफसर बैठे हों, उनका कलेजा फटे या ना फटे एक बार सोचने को तो मजबूर हो ही जाएंगे। माननीय अधिकारी सस्पेंड हो गए तो बच्चों तो हम क्या कर बताइए, जो हमारा परिवार था मुझे छोड़कर चला गया और बकरे की तरह काटा गया। तो मान लीजिए जब कार्रवाई करना था तब तो अधिकारी लोगों ने कर ही नहीं लिया। क्या हम लोग को कार्रवाई से सस्पेंड होने से मेरे माँ बाप आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे। इस कार्रवाई से कितना संतुष्ट और क्या चाहते हैं? हम संतुष्ट नहीं हैं। रह गई मेरे जो प्रॉपर्टी है उसको वापस दिलवाया जाए और उसको घर डालवाया जाए। तो ये है देवेश दुबे और ऐसे बड़ा झगड़ा। लेकिन नैरेटिव यानी कि कहानी कई तरह की चल रही है, इसलिए जब तक पुलिस प्रशासन मीडिया को औपचारिक तौर पे कुछ नहीं बताता है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।